अलीगंज बिजली घर पर जो मशीनें आई हैं वह पुरानी है, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। नई मशीनें लगाई जाएं, जनता की मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका इस समय मेरे साथ RBS7 लाइव न्यूज चैनल में। रवि साहू के साथ संवाददाता बहार अहमद। हमारे कस्बा अलीगंज क्षेत्र में जो बिजली घर स्थापित है उसके द्वारा करीब 84 गाँव जुड़े हुए हैं, जिनकी इसके अलावा हमारे ही राज्य कला पिपरी फीडर से ही करीब 38 गांव जुड़े हुए हैं, जिनको कि अलीगंज बिजली के द्वारा सप्लाई दी जाती है। लेकिन अलीगंज से सुरक्षा इतनी लंबी लाइन है जिस पर आज दिन फॉल्ट होते रहते हैं, जिसके कारण 8 घंटे भी बिजली नहीं मिल पाती है। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 18 घंटे बिजली दी जा रही है, लेकिन 18 घंटे की बिजली की जगह यदि 10 घंटे बिजली मिल जाए तो ये बहुत है। और बिजली की व्यवस्था हमारे क्षेत्र में सुचारू रूप से चले, इसलिए हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। क्षेत्र के लिए इस समय बिजली घर का बनना बहुत ही आवश्यक है, तथा अलीगंज बिजली घर पर नई मशीन लगना ज़रूरी है। लेकिन प्रशासन के द्वारा जो मशीनें भेजी गई हैं काफ़ी पुरानी एवं क्षतिग्रस्त हैं, जिसके लिए हमने हमारे क्षेत्र में मौजूदा विधायक इस समय जो कि माननीय श्री धर्मपाल सिंह जी, जो कि इस समय कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनको इस समस्या के विषय में आवेदन पत्र दिया है, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन मिला है। राजू कला में 100 केवी का ट्रांसफार्मर की जगह 250 केवी का ट्रांसफार्मर लगाया जाना जरूरी है, तथा काफ़ी पुराने बिजली की लाइन एवं खंभों को बदला जाना है। इसके लिए भी हमने बिजली विभाग के IDO साहब को प्रार्थना पत्र दिया है, उन्होंने भी इसके लिए आश्वासन दिया और कहा है कि शीघ्र ही आपकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। अब देखते हैं कि कब तक हमारे माननीय मंत्री महोदय जी एवं अलीगंज बिजली घर के IDO साहब जनता की मांग को पूरी करते हैं। हमारा सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध है, कृपया समय से अपना बिजली का बिल जमा करें। जमा करने के पश्चात आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं। हमारे क्षेत्र में कहीं यदि बिजली की चोरी होती है तो एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जहाँ भी बिजली की चोरी की जा रही है उसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दें। और इसके अलावा यदि कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी आपके किसी भी बिजली काम के लिए ट्रांसफार्मर गांव में लगवाने के लिए रिश्वत आदि मांगता है, तो इसके लिए भी हमारी सरकार के द्वारा नंबर जारी किए गए हैं, उन नंबरों पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और एक बार फिर से सभी क्षेत्रवासियों से हमारा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि कृपया अपना बिजली का बिल जमा करके एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य पूरा करें, जिससे कि बिजली के अधिकारियों को भी हमें बिजली सुचारू रूप से मिले, इसकी व्यवस्था करने में आसानी